जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर से प्रस्तुत हूँ। आज बहुत एक छोटी सी बात, शानदार बात करने जा रहे हैं। पहले आप ये तय कीजिए कि आपको अपना भला करना है कि अपनों का भला करना है। आप अपनी भलाई चाहते हैं कि सामने वाले की भलाई चाहते हैं, ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप अपने दिमाग को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, नियंत्रित बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर सोइए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपनी आँखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सोने से पहले दोनों पाँव के तलवों में तेल की मालिश करके सोना नहीं भूलिए। तीसरी बात, अगर आप अपने आँत को सही सलामत स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं पीजिए, जैसे फ्रीज का पानी, कोल्ड ड्रिंक से बचिए। अगर आप अपने लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ज़्यादा तैलीय सामान और फास्ट फूड से ज़रूर बचिए। अगर आप अपनी किडनी को बचाना चाहते हैं, किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सोने से पहले वॉशरूम ज़रूर हो आइए। अर्थात अगर आपको पेशाब पैखाना लगा हो तो सोने से पहले इस क्रिया से जरूर निवृत्त हो लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी अपेंडिक्स नहीं हो तो नींबू पानी रोज पिया कीजिए, या कम से कम सप्ताह में 3 से 4 दिन जरूर पिया कीजिए। अगर आप अपने गले को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 1 से 2 काली मिर्च रोज खाया कीजिए, यूं ही चबा के उसका आनंद लीजिए, उसके तीखेपन को। अगर आप अपने नाक को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सलाद में हो या सब्जी में हो पुदीने का पत्ता का प्रयोग करें, और सोने से पहले नस्य नाक में 1-1 बूंद शुद्ध सरसों का तेल या जैतून का तेल जरूर नस्य के रूप में लें। वैसे इस चैनल पे नस्य के विषय में अलग से वीडियो है जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर देखिएगा। अगर आप दिल का ख्याल रखना चाहते हैं, हृदय हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो ज़्यादा नमक खाने से बचिए। और अपने चेहरे पे ग्लो लाना चाहते हैं तो सोने से पहले जिस तरह नाक में तेल डालते हैं, शुद्ध सरसों का तेल नाभि में जरूर लगा के सोया कीजिए। और ये तो आपकी अपनी भलाई हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनों की भी भलाई करें, मित्रों की भी भलाई करें, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।